how are you doing, my dear children? Welcome to another phenomenal session. Today, super cool, super awesome, and absolutely amazing session that we are going to take on the platform of Vedantu for amazing success, jo aapko doctor banakar hi rahega. This super class, which is going to be on molecular basis, is going to be on the online paathshala of Vedantu. इससे पहले कि हम आज की अमेजिंग क्लास स्टार्ट करें, जिससे आपके फंडे मतलब नेक्स्ट लेवल क्लियर होने वाले हैं, ऐसी क्लास जो आपने ना कभी पहले कहीं देखी होगी, सुनी होगी, ऐसी क्लास मतलब कि आप एकदम यू विल बी ब्लोन अवे कि ऐसा भी जेनेटिक्स में होता है. राइट माय डियर किड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मतलब धमाकेदार सुपर कूल क्लास. इससे पहले कि आपके मन में कोई डाउट्स आए, तो मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके सारे डाउट्स के लिए हमारे पास है अमेजिंग वेदांतु ऐप. तो वेदांतु ऐप को डाउनलोड करिए, आपको सारे फ्री क्लास टेस्ट मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस बाय टॉप टीचर्स मिलेंगी, आपका फ्री में, यस यू हर्ड इट राइट, एब्सोल्युटली फ्री ऐप एंड एब्सोल्युटली फ्री डाउट सॉल्विंग. एंड हमारी आज की क्लास का स्टडी मटेरियल, यस, एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है, क्योंकि आज मैं एक मतलब धमाकेदार मॉलिक्यूलर बेसिस की क्लास लेने वाली हूं. तो इसका स्टडी मटेरियल भी आपको उसी ऐप पे डाउनलोड करने को मिल जाएगा. और प्लीज ऐसे सुपर कूल एक्स्ट्रा सेशंस की इंफॉर्मेशन ताकि आपके घरों तक आप तक पहुंचती रहे, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा. इट्स सो सिंपल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, सो दैट टुडेज एक्स्ट्रा क्लास जैसी फोड़ू क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि आज इंडक्शन क्लास है. कौन सी क्लास है? इंडक्शन. और किसका इंडक्शन कर रहे हैं हम, किसका आवाहन कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस को. तो मॉलिक्यूलर बेसिस तो ऑब्वियसली मैं डिटेल में आपको एनसीईआरटी में कराऊंगी, पर आज मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का फील देना चाहती हूं, जो कि आज मैं स्पेशल एक्स्ट्रा इंडक्शन लेक्चर से करने वाली हूं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 1 पावर्ड बाय नन अदर देन वेदांतु फॉर ग्रेड 12 बायोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट. दिस ब्यूटीफुल इमेज दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज नथिंग बट ऑफ द डीएनए. तो डीएनए का स्ट्रक्चर डीएनए तो मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूं अगली क्लासेस में, पर आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे, कितनी मुशक्कत हुई, कितनी मेहनत से हम इस डीएनए के स्ट्रक्चर तक पहुंचे, और वो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर स्टोरी के फॉर्म पे बताने वाली हूं. मेरा आपसे एक वादा जरूर है, ऐसी क्लास आपने कभी अटेंड नहीं की होगी. ये मॉलिक्यूलर बेसिस की मतलब धमाकेदार क्लास है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी. तो प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिए, दिल थाम कर बैठिए, और सम सुपर कूल सुपर अमेजिंग फैक्ट्स जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए स्टे ट्यून्ड. चलो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ऐसा क्या है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल को चाहिए होता है? इससे पहले कि मैं मॉलिक्यूलर बेसिस की क्लास बढ़ाऊं, आपको यह पता होना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में, यस, हमें काफी टाइम लगेगा, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम पूरी डेप्थ में करेंगे. तो ऐसा क्या है जो हमें रिक्वायर्ड होता है जब भी हम कभी भी किसी मटीरियल को एक जेनेटिक मटीरियल कह सके? सबसे पहले वो मटेरियल को अपनी कॉपी करनी चाहिए. जैसे मेंडल ने भी कहा था कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने लायक रहे, सो दैट मटेरियल माय डियर किड्स हैज टू गो फ्रॉम द पेरेंट टू द F1 जनरेशन. और वो मटेरियल कैसे जाएगा अगर वो अपनी कॉपी बनाएगा? कैसे जाएगा अगर वो अपनी कॉपी? सो दैट मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लीकेट. रेप्लीकेट का मतलब होता है इट शुड बी एबल टू मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, राइट? तो जब भी हम सेल साइकिल करते हैं, जिसमें हमने पता है G1S G2M फेज होते हैं, सेल डिवाइड करता है. सेल साइकिल में सेल क्या डिवाइड करता है? सेल डिवाइड करता है. तो जब भी सेल डिवाइड करे, दैट मटेरियल शुड बी एबल टू मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. उसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल रहना चाहिए, राइट? कभी भी देखो, म्यूटेशंस बहुत रैंडम चेंजेस होती हैं. म्यूटेशंस जनरली लीथल होती हैं. म्यूटेशंस जनरली किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कर देती हैं, बहुत ज्यादा लीथल होती हैं. तो जब भी म्यूटेशंस हो रही हैं, कोई भी चेंज हो रहा है, अगर वो कोई अनवांटेड चेंज हो, तो ऐसा कोई भी अनवांटेड चेंज नहीं होना चाहिए. इसीलिए उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए.
मतलब आज की क्लास से अगले कुछ दिनों तक मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी वो स्ट्रक्चर अपने आप रेप्लिकेट करना चाहिए और वो स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होना चाहिए ताकि उसमें अनवांटेड के आगे आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, अनवांटेड चेंजेस ना हो। पेरेंट्स के जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो सिमिलर होते हैं, तो वो जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको आज डिटेल में पढ़ाने जा रही हूं, इट शुड बी एबल टू कैरी ऑल द नेसेसरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंटल जेनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन कैरी करना चाहिए। इट फॉर्म्स द लिंक, ये एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा लिंक है बिटवीन टू जेनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी लिंक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया हुआ है और इसी के बेसिस पे हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये जो भी मैं आपको अगले कुछ दिनों में पढ़ाऊंगी वो स्टेबल होना चाहिए, वो रेप्लिकेट करना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन पेरेंटल जेनरेशन से ऑफस्प्रिंग्स तक लेके जाना चाहिए, और जब वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, इट इज अ लिंक बिटवीन द टू, You guessed it right, generations. Right, चलिए आगे बढ़ते हैं। So today's class is going to be a super cool class, जहां पे मैं आपसे quizzes पूछूंगी after little while, ये तय करने के लिए कि आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर कूल क्विज टाइम। ये क्विज क्वेश्चन आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, राइट, कि आपको पहले से कितना आता है। ये बैच जो मेरे पास है, कितना वाकई में सुपर कूल बैच है, इसको पहले से कितना कुछ आता है। चलो लेट्स स्टार्ट। आरएनए सर्व्स एन इंपॉर्टेंट रोल। आरएनए का क्या बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? क्या रोल है? क्या आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है? या आरएनए कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने में हमारी मदद करता है? क्या आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, फैट सिंथेसिस में मदद करता है, या नॉन ऑफ दीज? आपको पता है यहां पे इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, उस पे पूछा जा रहा है। क्या करता है आरएनए? बट ऑब्वियस ही बात है, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म पे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक पे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक में किस चीज का सिंथेसिस करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, सिंपल, राइट? तो ये तीनों आरएनए मिलकर एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए क्या करेंगे? दे विल हेल्प अस इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो आपने एकदम मतलब धो दिया। यस एवरीबॉडी, जैसे इंडिया लगा हुआ है आईपीएल में मजे करने। चलिए तो अब हम शुरू होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक मटेरियल से और जेनेटिक मटेरियल। आज की क्लास जो है ना, स्ट्रक्चर वगैरह मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाली हूं, वो मैं अगली क्लास में। आज की क्लास आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी, एक ब्यूटिफुल स्टोरी टेलिंग की क्लास है कि कैसे डीएनए तक हम पहुंचे। डीएनए की आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको अगली क्लास में बताने वाली हूं, पर आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मतलब ब्यूटिफुल इमोशनल स्टोरी टेलिंग क्लास है कि कैसे हम डीएनए की गुत्थी सुलझाएंगे, कैसे हम डीएनए तक पहुंचेंगे। सो दैट इज टुडेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले देखो बेटा, कहानी शुरू कहां से हुई? कहानी जो है वो शुरू हुई, अगर मैं आपको बताऊं एक तरफ लिख कर, इसलिए आज की क्लास में मैंने बहुत जगह भी छोड़ी है, राइट? दोनों कोनों पे आपको दिख रही होगी। कहानी जो शुरू हुई वो मेंडल से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? मेंडल से शुरू हुई। तो मेंडल से कहानी को हम शुरू करते हैं। मेंडल एक बहुत गरीब बच्चा था, एक गरीब खानदान में, बहुत बहन भाइयों में मेंडल का जन्म हुआ। मेंडल वाकई में पढ़ना चाहता था। इस कहानी को सुनो और इस कहानी को एंजॉय करो आज मेरे साथ, और चलो फिर हम फाइनली जेनेटिक्स में डीएनए तक पहुंचते हैं। तो जो मेंडल था वो एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था, पर बच्चा बहुत परिश्रमी था, बहुत लगन वाला था। और आप लोग ये करते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कहानी सुन रहे हैं। मेंडल पढ़ना चाहता था, बहुत बहन भाइयों में एक लौता मेंडल भी था, यस। पर मेंडल के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था, इतने फंड्स नहीं थे, इतने तौर तरीके नहीं थे कि वो मेंडल को किसी अच्छे स्कूल में भेज सके और उसको पढ़ा सके। इसीलिए उन्होंने मेंडल को एक मॉनेस्ट्री में भेज दिया। कहाँ भेज दिया मेंडल को? एक मॉनेस्ट्री में, जहाँ पे मंक्स पढ़ते हैं। उन मॉनेस्ट्री वालों ने देखा कि वाकई में इस लड़के में कोई तो बात है,
कुछ तो ऐसा है, बहुत होनहार किस्म का बच्चा है, वाकई में पढ़ना चाहता है और पढ़ाई कर भी रहा है। उन्होंने मेंडल को खूब पढ़ाया। मेंडल के पास ना सिर्फ बायो था, उसके पास नेचुरल साइंस भी था, उसके पास मैथमेटिक्स भी था, उसके पास स्टैटिस्टिक्स भी था। सो उसके पास बायो था, बायोलॉजिकल साइंस था, नेचुरल साइंस था, मैथ्स था, स्टैटिस्टिक्स था। इन सबको लेकर मेंडल ने खूब पढ़ाई की। फाइनली मेंडल का ध्यान एक पाइसम सेटाइवम यानी कि पी के पौधे के ऊपर पड़ा, जिसके साथ मेंडल ने 7 या 8 साल खूब शोध, खूब अध्ययन किया। और इतना अध्ययन, इतने साइंटिफिक प्रोसेसेस करने के बाद मेंडल ने कुछ लॉज निकाले, कुछ चीजें, कुछ तौर तरीके ढूंढ निकाले। पर मेंडल के पास इतनी गरीबी थी और इतना कम पैसा था मॉनेस्ट्री में काम करने के बावजूद कि मेंडल कभी सही से, ऑल्दो उसने पाइसम सेटाइवम पे काम जरूर किया, उसने पाइसम सेटाइवम पे काम जरूर किया और काम करने के कुछ देर बाद कुछ बहुत बेहतरीन लॉज भी ढूंढ निकाले, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक अच्छी मैगजीन में अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर पाता। बच्चों, आज मैं वाकई में आपको एक म्यूजिकल जर्नी पे लेके जाने वाली हूं। आराम से सुनो और पूरी जेनेटिक्स को फील करो ताकि अगली क्लास से हम इसको डिटेल में पढ़ सकें। यस, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी बड़ी मैगजीन में अपना आर्टिकल पब्लिश करवा पाता, तो एक छोटी सी मैगजीन थी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून के नाम से। एमसीक्यू में आता है ये सवाल, किस नाम से? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। उस छोटी सी मैगजीन में मेंडल ने अपना आर्टिकल पब्लिश करा दिया। उस छोटी मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश कराने की वजह से ना ज्यादा लोगों ने मेंडल को पढ़ा, और क्योंकि मेंडल वो पहला आदमी था, ये भी एमसीक्यू में आता है, जिसने मैथ्स और बायो को कंबाइन किया, तो बहुत लोगों की तो समझ में ही नहीं आया कि मेंडल बात क्या कर रहा है, इसीलिए किसी ने भी उसके आर्टिकल को ध्यान से नहीं पढ़ा। मेंडल बेचारा अंदर ही अंदर टूट गया और फिर वापस कॉलेज पे जाकर नेचुरल हिस्ट्री वगैरह पढ़ाने लगा, और किडनी फेलियर की वजह से, जो शायद उसको स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुआ होगा, बेचारा का देहांत हो गया। इसके बाद 1900 में 3 लोग आए, और देखो उन 3 लोगों को मेंडल ने अपना काम पॉइंट बाय पॉइंट इतने बेहतरीन तरीके से लिखा था कि जैसा जैसा मेंडल बोलता रहा अपने आर्टिकल में, वैसा वैसा एक्सपेरिमेंट ये 3 लोग करते रहे, और एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे से मेंडल ने लिखा था कि इन 3 को फिर से वही रिजल्ट निकल कर आए जो मेंडल ने अपने आर्टिकल में लिखा था। इसीलिए ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन टेसरमार्क ने कहा कि जी हां, ये आदमी वाकई में ग्रेट है, इसने जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हमने 1900 में इसकी डेथ के इतने सालों बाद किया, फिर भी हमें वैसा ही रिजल्ट मिला है, तो कोई तो बात है उस आदमी में। इसीलिए इसको उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स की। इसके बाद इतना शोध हुआ, इतनी रिसर्च हुई, सबने कहा जी हां, मेंडल ने जो लिखा है वो वाकई में सच है। हजारों लोग टूट पड़े और हजारों लोगों ने मिलकर फिर से मेंडल के दिए गए इतिहास को पढ़ा, और जो जो मेंडल ने किया था वैसा वैसा सेम टू सेम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का रिजल्ट तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा मेंडल को निकला था, पर कुछ लोगों का रिजल्ट, जिसमें TH मॉर्गन नाम का भी साइंटिस्ट था, कुछ लोगों का रिजल्ट मेंडल से बहुत ज्यादा अलग निकला। कैसा निकला? मेंडल से बहुत ज्यादा अलग। इन लोगों ने, मेंडल ने कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, पर इनके पास तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं निकला। इनके पास निकल के आ गया लिंकेज। कई और साइंटिस्ट को मिला कोडोमिनेंस, मेंडल ने तो प्योर डोमिनेंट कहा था, कुछ और साइंटिस्ट के पास निकल कर आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब साइंटिस्ट हो गए कंफ्यूज और सोचने लगे कि जो मेंडल ने कहा था वो सच है या जो अभी हमें मिल रहा है वो सच है। तो साइंटिस्ट ने बैठक बुलाई, सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठे और उन्होंने सोचा नहीं, दोनों ही बातें सच है। तब तक सबने ये मान लिया कि कुछ बात तो थी इस मेंडल में, और वो कह के गया था कि ये जो फैक्टर होते हैं ना, ये एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन पर जाते हैं।
इन फैक्टर्स को जोहानसन ने नाम दे दिया था जीन्स, और सूटन और बोवरी ने कह दिया था कि ये जो जीन्स है ना, ये क्रोमोसोम्स पर होती है। ये सब का सब हम पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब सारे साइंटिस्ट का दिमाग एक ही चीज पर टकरा कर रह गया, और वो क्या चीज? ये जीन्स किस चीज की बनी हुई है? तो आज की जो क्लास हम शुरू करेंगे, हम वाकई में टाइम ट्रेवल करेंगे और हम सब टाइम मशीन में बैठकर वाकई में उसी टाइम पे दोबारा पहुंच जाएंगे जब ये जीन्स की डिस्कवरी शुरू हुई। कि कब, कहां, कैसे इस जीन्स की डिस्कवरी शुरू हुई? सब मान गए कि वाकई में कुछ तो है जो एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में जा रहा है, पर वो क्या है इस पे लोग बहुत ज्यादा बौखला उठे, उनको समझ में नहीं आया ये क्या है। तो आज की क्लास में हम एक बहुत सुंदर कहानी के रूप में ये जानेंगे जीन्स की डीएनए तक की कहानी। इज दैट क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी में एक आदमी का नाम लिया जाता है, उनका नाम है फ्रेडरिक। इसको हम कलर बदल लेते हैं, यस, किसी प्यारे रंग से इसको करते हैं, हरा रंग सुंदर लगेगा। तो सबसे पहले जब इस जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी की कहानी शुरू हुई, जब ये जानने की कहानी शुरू हुई कि जीन्स क्या है, चलो इसको भी मैं और मनोरंजक बनाती हूं। देखो बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, तो आई एम टॉल, मैं लगभग 6 फुट की हूं, तो लगभग आई एम टॉल। हर हमारे किसी के बाल आप में से कर्ली हो सकते हैं, किसी के स्ट्रेट हो सकते हैं, राइट, किसी के वेवी हो सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे कर्ली बाल है। ऐश्वर्या राय की आंखें हरी हैं, किसी की ब्राउन हो सकती है। आप अपनी आंखें देखिए, अलग अलग आंखें होती है, हम सबका स्किन कलर अलग अलग होता है, हम सबकी स्किन की टाइप अलग होती है। तो बेटा भले ही वो बालों का स्ट्रक्चर हो, वो आई कलर हो, वो स्किन कलर हो, ये सारी चीजें क्या है? मैं फिर से इस कोने पर लिखूंगी, ये सारी चीजें प्रोटीन है, क्योंकि बाल बनाता है कोलेजन, यस, केराटिन, स्किन कोलेजन, नेल्स केराटिन, आई कलर पिगमेंट, स्किन कलर पिगमेंट, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें प्रोटीन है। तो जेनेटिकली जो भी चीज हमें, अगर किसी की हाइट है तो हाइट इसीलिए बिकॉज उसके पास ओसेइन नाम का प्रोटीन बहुत ज्यादा है। तो इन बातों से मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूं, और वो एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब भी लोगों ने देखा कि एक आदमी, उसका फिनोटाइप देखा, क्या देखा? पी फॉर प्रोटीन, और उसका फीनोटाइप देखा, और उसको बोला कि तुम्हारे पास तो ये वाली जीन है इसीलिए तुम्हारे बाल घुंघराले हैं, आपके पास तो हाइट वाली जीन है इसीलिए आप ओसेइन बनाते हो, तो उन्होंने देखा कि जो भी दिखाई दे रहा है वो प्रोटीन है। तो सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो जीन है, जो मटीरियल है, वो प्रोटीन है। पर कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, ये प्रोटीन नहीं है, पर ये तो डीएनए हो सकता है। तो ये जर्नी कि वो प्रोटीन ना होकर डीएनए है, ये जर्नी हम आज की क्लास में डिटेल में करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हम काम शुरू करते हैं। इस जर्नी में सबसे पहला नाम दिया जाता है फ्रेडरिक मिश्र का। किनका नाम दिया जाता है? फ्रेडरिक मिश्र का। फ्रेडरिक मिश्र एक डॉक्टर हुआ करते थे, और उनके क्लिनिक में जो भी पेशेंट्स आते थे, जो भी पेशेंट्स, ध्यान से सुनो, इट्स अ ब्यूटिफुल क्लास एंड ब्यूटिफुल स्टोरी, उनके क्लिनिक में जो भी पेशेंट्स आया करते थे ना, उन पेशेंट्स का वो पस सेल रख लेते थे अपने पास। क्या रख लेते थे? पस सेल। क्या? पस सेल। अब आप सबको पता होना चाहिए कि पस सेल का मतलब है कि WBCs, जो भी WBC है, जिन्होंने फॉरेन सब्सटेंस को मार दिया है, वो वाला पस सेल और WBC वो अपने पास रख लेते थे। और जब वो घर जाकर पस सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे खूब ध्यान से देखते थे, तो उनको पता चला कि ये जो पस सेल है, ये थोड़ा गोला सा दिखता है, और जो भी सेल में स्टडी करता हूँ उसके बीच में एक डेंस सा एरिया होता है। कैसा एरिया होता है? डेंस सा एरिया। कैसा एरिया? डेंस। मुझे पस सेल्स में और तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारा सेल डिस्ट्रॉय हो गया था, पर मुझे सेंटर में
एक डेंस एरिया मिला, एक डेंस मटेरियल सेल के सेंटर में, सेंटर सेल सेंटर में मुझे एक डेंस एरिया मिला। उन्होंने कहा कि जब मैं इस डेंस एरिया का अध्ययन करता हूं, इस डेंस एरिया को मैं माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर देखता हूं, इस डेंस एरिया ने मुझे एसिडिक कंटेंट मिलता है, क्योंकि आज हमें पता है उनको एसिडिक कंटेंट क्यों मिला, क्योंकि आज हमें पता है कि उसके अंदर तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो तो न्यूक्लियस है, ये मुझे आज पता है, पर तब साइंटिस्ट को नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे एसिडिक कंटेंट मिलता है और इस एसिडिक कंटेंट को उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिन। उन्होंने कहा कि मुझे सेल के सेंटर में एसिडिक कंटेंट मिलता है, इस एसिडिक कंटेंट को मैं नाम दे देती हूं न्यूक्लिन। आगे पीछे ये प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे सेंटर में कोई मटेरियल मिलता है। ये इन्होंने 1868 में कहा था और कहा कि ये जो सेंटर का मटेरियल है ये क्या है? न्यूक्लिन। क्या नाम दे दिया इन्होंने इसको? न्यूक्लिन। और कहा ये मुझे थोड़ा सा एसिडिक लगता है। क्या लगता है? एसिडिक। 1928 में एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने कहा कि अब मैं इस जो सेंटर का जो आप मटेरियल जिसकी बात कर रहे हो, क्यों ना मैं इस पे थोड़ा और रिसर्च करके आपको बताओ। तो उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया जो मैं आपको डिटेल में करवाने वाली हूं, और ये मैं आपको बता सकती हूं पूरे कन्विक्शन से कि इतने डिटेल में ये कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएगा। इस एक्सपेरिमेंट पे 500% क्वेश्चन आएंगे, और एक बार मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करा दिया और आप खुद ना बोले कि हम जेम्स बॉन्ड बन गए, तो मतलब इस क्लास का कोई फायदा ही नहीं है। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले कौन आया हमें पता है, सबसे पहले आया फ्रेडरिक मिश्र, और फ्रेडरिक मिश्र कह गए कि वो न्यूक्लियन है। उसके बाद आए ग्रिफिथ। अब इस एक्सपेरिमेंट पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो, आप सिर्फ कहानी की तरह मेरी बात सुनो और ऑटोमेटिकली आपको सारे का सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। बस कहानी की तरह ये लेक्चर सुनते चलो, राइट? एक्स्ट्रा लेक्चर है, एनसीईआरटी पे हम आ रहे हैं, दिस इज जस्ट अ इंडक्शन लेक्चर टुवर्ड्स दिस ऑसम कॉन्सेप्ट नोन एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए, तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड क्लियर करना चाहती हूं। जो वर्ड मैं आपके लिए क्लियर करना चाहती हूं उसको हम कह देते हैं विरुलेंस। क्या कह देते हैं? विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब होता है, क्या मतलब है इस वर्ड का? देखो, इसीलिए मैंने हर एक डायग्राम के साइड में जगह छोड़ी है ताकि आपको मैं नोट्स बनाकर दे सकूं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। विरुलेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। कोई किसी भी प्राणी की क्षमता जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज हो सकती है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। मतलब अगर कोई भी है, कोई भी फॉरेन बॉडी है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई प्रोटोजोआ है, कोई वर्म है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, कोई भी जो बीमारी कॉज कर सकता है, जिसके भी अंदर कोई भी बीमारी कॉज करने की क्षमता है, उसको हम विरुलेंस कहते हैं। अगर तो वो बीमारी कॉज कर सकता है, अगर तो उसके अंदर क्षमता है बीमारी कॉज करने की, तो हम उसको विरुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विरुलेंट। अगर तो वो डिजीज कॉज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? विरुलेंट। अगर तो वो डिजीज नहीं कॉज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ए विरुलेंट। मतलब नो डिजीज। समझ में आया? क्षमता को विरुलेंस कहते हैं। अगर क्षमता है, अगर बीमारी कॉज करने की क्षमता है, विरुलेंट। अगर बीमारी कॉज करने की क्षमता नहीं है, ए विरुलेंट। इज दैट क्लियर? कितना सिंपल तरीका है। जरूरी नहीं कि सबको ही बीमारी कॉज कर सके, जरूरी नहीं कि सबको ही हमारी बॉडी को अटैक कर सके। हमारी बॉडी भी तो वापस अटैक करेगी, तो जब हमारी बॉडी वापस अटैक करेगी और बैक्टीरिया डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा, जब आपकी बॉडी डिशुम डिशुम करेगी और बैक्टीरिया डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा,
virulent. जब बैक्टीरिया ने डिजीज कॉज कर दी virulent. Is that clear everybody? मतलब 20-25 मिनट हो गए और 20 मिनट में मैं आपको एकदम जेम्स बॉन्ड बनाने की कगार पे हूं. Yes everybody, चलिए ध्यान से सुनिए. Right, virulent and avirulent. अब ध्यान से सुनो बेटा, बॉडी काम कैसे करती है आपको पता होना चाहिए. इस एक्सपेरिमेंट को गहराई से समझने के लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना है. मतलब मैंने आज बोला ना, आज तो स्टोरी टेलिंग है, ध्यान से सुनो और मतलब सोचो कि यार वाओ, ऐसे भी जेनेटिक्स होता है. कितना ब्यूटिफुली मैं आपको समझा रही हूं, आप ध्यान से सुनो. देखो बेटा, बीमारी तब होती है, अब मैं यहां लिखती हूं, बीमारी तब होती है जब कोई भी एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करता है. एंटीजन क्या होता है? क्या एंटीजन को मैं फॉरेन सब्सटेंस बोल लूं? बाहर का है, कीटाणु है, कोई भी कीटाणु है, फॉरेन सब्सटेंस है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया. तो ये आपकी बॉडी में जब एंटर करता है, आपकी बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडीज. आपको पता है यही तो शरीर करता है, एंटीबॉडीज बनाता है. तो बेटा अगर तो हमारे शरीर ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली और इसको मार दिया, तो मैं क्या लिख रही हूं यहां? डिजीज नहीं होगी. अगर तो आपके शरीर ने इसको पहचान लिया और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली, तो डिजीज नहीं होगी. पर अगर इधर देखो, अगर आपका बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाया, तब तो उल्टा ये बॉडी को अटैक कर देगा. और बॉडी को अटैक कर देगा, यहां लिख देते हैं बॉडी, एंटीबॉडीज नहीं बन पाई बॉडी, तो तब क्या हो जाएगा? डिजीज. तो हमारे पास दो चीजें हैं. एक, अब मैं ध्यान से रखू, मैं इसको रखने वाली हूं और आपको ध्यान से समझाने वाली हूं. ये फॉरेन सब्सटेंस है एंटीजन. कौन है ये? एंटीजन. और ये आपकी बॉडी आ गई और देखो सेम वैसा बना के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया. अब फॉरेन सब्सटेंस ऐसा है तो देखो, एंटीबॉडी, क्या मैं इसको लॉक इन की मॉडल बोलू? क्या मैं इसको लॉक इन की मॉडल बोलू? देखो यही तो ऑनलाइन पढ़ाई का मीडियम है, कितने ब्यूटीफुली आप देख पा रहे हो. क्या मैं इसको लॉक इन की मॉडल बोलू? मतलब अगर ये एंटीजन है तो एंटीबॉडी देखो कैसे फिट हो रही है. तो क्या मैं कह सकती हूं कि एंटीजन एंटीबॉडी लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करता है? अब मैं सब कुछ इरेज कर रही हूं. आपको पता है विरुलेंस डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है. आपको पता अगर बीमारी होगी तो विरुलेंट, अगर बीमारी नहीं होगी तो ए विरुलेंट. यस एवरीबॉडी, गुड. तो आपको यह भी पता है कि जो एंटीजन है इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है एंटीबॉडी बनाकर. एंटीजन एंटीबॉडी का लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है. अब यह देखना एक्सपेरिमेंट कितना आसान. मतलब अगर एंटीजन ऐसा तो एंटीबॉडी ऐसी, एंटीजन ऐसा तो एंटीबॉडी ऐसी, एंटीजन ऐसा तो एंटीबॉडी ऐसी. मतलब मेरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है कि मैं एंटीजन को देखूं और वैसा ही एंटीबॉडी बनाऊं. मेरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है कि मैं एंटीजन को देखूं और वैसा ही एंटीबॉडी बनाऊं. इज दैट क्लियर? अब बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको ध्यान. अगर एंटीजन छुप जाए, इसको मान लेते कैप्सूल, मतलब वो किसी चीज में छुप चुका है. अगर वो छुप गया है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो, तो क्या आपकी बॉडी इसको देख सकती है? आई एम राइटिंग सी हियर. क्या आपकी बॉडी इसको देख सकती है? ऑन माई स्क्रीन. जिसको ये समझ में आ रहा है बच्चों, प्लीज वही एकमात्र साधन है जिससे मुझे पता चलेगा कि हमारी मेहनत कोई काम की है या नहीं. यस, लाइक दबाइए, बताइए कमेंट सेक्शन पे अभी के अभी. अगर बॉडी नहीं देख पा रही तो क्या बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी? यस और नो ऑन माई स्क्रीन नाउ. क्या बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी? नो 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 नो, बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी. मैं आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण देना चाहती हूं, बहुत बहुत सिंपल उदाहरण, ठीक है? देखो बेटा, अब आपको मेरा चेहरा पता है. यस, आप मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, मुझे रोज मिलते हो. अगर मैं मान लो आपकी सिटी में आके घूम रही हूं और आप भी कहीं उसी मॉल में या उसी कॉम्प्लेक्स में या आसपास घूम रहे हो, तो क्या आप मुझे आवाज देके बुलाओगे? हे वानी मैम, हमने आपको देखा है. क्योंकि आप मुझे पहचान रहे हो, मैं आपका यूट्यूब स्टूडेंट हूं, मैंने आपको देखा है. क्या वेदांतु की टी शर्ट से आप हमें पहचानोगे? यस, क्योंकि आप हमें देख पा रहे हो, आप हमें पहचानोगे. अगर मैं
और मेरी हाइट की, एग्जैक्टली मेरी हाइट की, बिल्कुल मेरे जैसी एक और आप मान लो क्लोन, और हम दोनों को पूरा हेड टू टो कवर कर दिया, पूरा बाहर से कवर, एक कवर चढ़ा दिया पूरा, तो आप, और वो पूरा कवर है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरा कवर, तो क्या आप मुझे पहचान पाओगे कि ये दोनों के अंदर में से वानी मैम कौन सी है? तो बेटा अगर 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 एंटीजन के बाहर, ये एंटीजन है, ये राउंड शेप का आपको पता चल रहा है, ये इलोंगेटेड एंटीजन है आपको पता चल रहा है, ये स्पाइनी एंटीजन है आपको, पर अगर इन तीनों एंटीजन के बाहर, इन तीनों एंटीजन के बाहर मैंने कवर चढ़ा दिया, तो क्या आपको पता चल रहा है अंदर किस शेप का एंटीजन है? अगर मैंने इनके बाहर कैप्सूल चढ़ा दिया, क्या आपको पता चल रहा है अंदर किस शेप का एंटीजन है? नहीं, तो क्या आप एंटीबॉडी बना पाओगे? क्या आप इनके खिलाफ एंटीबॉडी बना पाओगे? नहीं 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 बेटा, अब मुझे एक बात और बताओ, अगर ऐसा कोई एंटीजन, अगर ऐसा कोई एंटीजन आपके शरीर में एंटर कर गया, कवर्ड एंटीजन, कवर्ड, अगर ऐसा कोई भी कवर्ड एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया, बॉडी, बॉडी भी लिख देती हूं, बॉडी में एंटर कर गया, तो हम तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे। तो बेटा वो एंटीजन इस कैप्सूल के अंदर छुपके, वो एंटीजन इस कैप्सूल के अंदर छुपके क्या बॉडी को अटैक करेगा? बस मुझे इतना बताओ, वो इसके अंदर छुपके क्या बॉडी को अटैक करेगा? यस। क्या वो बॉडी को अटैक करेगा? यस। मिलिटेंट्स, टेररिस्ट ऐसे ही तो अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते टेररिस्ट? छुपके अटैक करते हैं, छुपके वार करते हैं। अगर वो सामने से आएंगे तो उनको ही गोली लग जाएगी, इसीलिए वो छुपकर अटैक करते हैं। यस और नो? यस और नो? तो बेटा एक लास्ट चीज, और लास्ट चीज, जब भी एंटीजन ऐसा है, क्या आपको इसकी शेप समझ में आ रही है? या एंटीजन ऐसा है, या एंटीजन ऐसा है, या एंटीजन ऐसा है, तो आपको इनकी शेप नजर आ रही है? यस यस। तो ये क्या है? शेप ऑफ एंटीजन। पर अगर एंटीजन, अब मैं इनको देखो अलग अलग शेप का बना रही हूं, दोबारा देखो कितना बेहतरीन डायग्राम, एक एंटीजन ऐसा बनाया, एक एंटीजन ऐसा बनाया, एक एंटीजन ऐसा बनाया, और एक एंटीजन ऐसा बनाया, पर इन सबको मैंने कैप्सूल से कवर कर दिया। देखो इन सबको मैंने कवर कर दिया बाहर, तो क्या आपको इनकी शेप समझ में आ रही है? ये हम स्मूथ कह सकते हैं क्योंकि सबकी शेप एक जैसी है। क्या मैं इसको स्मूथ कह दूं? यहां लिख देती हूं स्मूथ, क्योंकि इन सबको मैंने कैप्सूल से ढक दिया है, ग्रीन कलर के कैप, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इनकी शेप क्या है। प्लीज, मैंने ब्लैक कलर का मार्क छोड़ा है ताकि आप समझ पाओ। यहां मैंने चारों के चारों को कैप्सूल से कवर कर दिया, येस और नो ऑन माई स्क्रीन नाउ? यस। तो अगर मैंने चारों के चारों को कैप्सूल से कवर कर दिया और मैंने उनको स्मूथ बना दिया, तो क्या वो मैं देख पा रही हूं? क्या मैं इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना पाऊंगी? नहीं। तो क्या ये मुझे अटैक कर पाएगा? यस, क्योंकि ये तो छुपा हुआ है, छुपकर अटैक करेगा। और यहां पे जो ऐसा है उसके खिलाफ ऐसा, जो ऐसा है उसके खिलाफ ऐसा, जो ऐसा है उसके खिलाफ दो दो, तो यहां पे वो छुपे हुए नहीं है। यहां पे क्या कैप्सूल है? मैं ब्लैक पेन ले रही हूं, देखो यहां पे क्या कैप्सूल है? आप मुझे बताइए, ऊपर वाले डायग्राम में कैप्सूल है? नहीं। तो क्या इनका स्ट्रक्चर क्लियर है? यस। क्या मैं इनको देख पा रही हूं? क्या इनका स्ट्रक्चर, तो क्या मैं इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाऊंगी? यस। क्या मैं सबके खिलाफ एंटीबॉडी बना पा रही हूं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्लियर है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्लियर है, मैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना पा रही हूं? यस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो बच्चों मैं अभी आपके लिए सब कुछ समराइज करने वाली हूं, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए। विरुलेंस इज द डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, प्लीज कहानी की तरह सुनिए, मैं साथ साथ एक एक वर्ड लिखती भी रहती हूं, राइट? सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? विरुलेंस इज द डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। यस। तो जो भी डिजीज होती है
वो विरुलेंस की वजह से होती है, या बैक्टीरिया ए विरुलेंट होगा जो डिजीज नहीं करेगा, या बैक्टीरिया विरुलेंट होगा जो डिजीज कॉज करेगा। विरुलेंट बैक्टीरिया जो भी होता है वो कैप्सूल के अंदर छुपा हुआ होता है, तो विरुलेंट पे कैप्सूल लिख दूं, और कैप्सूल में छुपने की वजह से वो डिजीज कॉज करता है, तो मैं ये भी लिख सकती हूं कि वो स्मूथ होता है क्योंकि उसके बाहर कैप्सूल है और वो बॉडी को अटैक कर देता है अंदर छुपकर। कितना सिंपल है, वो छुप गया, बॉडी उसको अटैक नहीं कर सकती तो वो बॉडी को अटैक कर देगा। और जो ए विरुलेंट है, ए विरुलेंट, ये जो ए विरुलेंट है, क्या मैं कहूं इसके पास कैप्सूल नहीं है, इसके पास कैप्सूल नहीं है तो ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता, और क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं है इसका स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देता है तो मैं इसको कह देती हूं रफ, राइट right? और बॉडी इसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी जो इसको मार देगा, इसलिए डिजीज कॉज नहीं कर सकता। तो एंटीबॉडी पॉजिटिव, वहां पे एंटीबॉडी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे। किसके एक्सपेरिमेंट पे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ के। तो बेटा एक लास्ट चीज और, मैं छुप गई हूं अभी समझाने के लिए, लास्ट चीज और, ये बैक्टीरिया जिसके बाहर कैप्सूल है, क्या इस बैक्टीरिया को मैं स्मूथ कह दूं? बस मुझे इतना बताओ, क्या इस बैक्टीरिया को मैं स्मूथ कह दूं? यस। और ये बैक्टीरिया जिसके बाहर कैप्सूल नहीं है, क्या मैं इसको रफ कह दूं? क्या मैं इसको रफ कह दूं? यस। तो क्या मैं कह सकती हूं कि रफ ए विरुलेंट है, डिजीज कॉज नहीं करेगा, और स्मूथ जिसके बाहर कैप्सूल है वो विरुलेंट है, डिजीज करेगा? कोई डाउट, जिसको ये समझ में आया है वो अभी लाइक करेगा प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस। अब आ जाओ आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे। चलो, तो बेटा सबसे पहले उसने एस स्ट्रेन लिया। स्ट्रेन क्या होता है? उसने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया। समझ में आ गया? स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया के दो टाइप हैं, टाइप्स को हम स्ट्रेन भी कहते हैं। देखो बेटा कितना, मतलब हम स्लो जा रहे हैं, सिर्फ दूसरी स्लाइड पे, अब तो मैंने आपको मतलब आगे ऐसे ऑसम 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 एक्स्ट्रा फंडे करवाने कि आप लोग मतलब यू विल बी ब्लोन अवे। ये चैप्टर में एक बार मैं आपको रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवा दूं, मतलब और लैक ओपरॉन करवा दूं, यू विल बी ब्लोन अवे कि भाई ऐसे भी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और लैक ओपरॉन होता है। आपको मैं जेम्स बॉन्ड बना दूंगी चैप्टर में। आज हम सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट डिटेल में करेंगे, और एक और मैं सुपर इंडक्शन क्लास 2 लूंगी जिसमें मैं आपको बहुत एक सुंदर कहानी सुनाऊंगी एडविन चारगाफ की और मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन की। फिर हम इस चैप्टर की डिटेल्स में घुसेंगे। डन एवरीबॉडी? चलिए, तो इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन होते हैं, एक स्ट्रेन को हम कहते हैं एस स्ट्रेन और एक स्ट्रेन को हम कहते हैं आर स्ट्रेन। ये हमारे पास दो स्ट्रेन्स हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ठीक है? इसको मैं, आप चाहो तो मैं रेड कलर से लिख देती हूं, स्मूथ, आपको पता है स्मूथ और रफ, ब्लैक से लिख देती हूं, स्मूथ और रफ, और आपको पता है रफ जो है वो ए विरुलेंट है, स्मूथ विरुलेंट है। तो एस, एस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? इसके बाहर कैप्सूल है। एस का मतलब क्या है? इसके बाहर कैप्सूल है, कैप्सूल होने की वजह से ये छिप जाता है, हाइड इन द कैप्सूल, जिसकी वजह से ये बॉडी को दिखाई नहीं देता और जिसकी वजह से ये एंटीबॉडी बॉडी इसके खिलाफ नहीं बनाती और ये बॉडी को अटैक कर देता है क्योंकि ये छुपा हुआ है टेररिस्ट की तरह, तो ये बॉडी को अटैक कर देता है। किसके पीछे छुपा है? कैप्सूल के पीछे छुपा है, जिसकी वजह से ये बॉडी को अटैक कर देता है। जिसके पास कैप्सूल उसको एस कहेंगे और बॉडीज के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बना पाती, तो चूहा बेचारा गया मर क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन था। सेकंड पे आ जाओ, लिविंग आर। आर का मतलब होता है रफ। इसको हम रफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल नहीं होने का मतलब, मैं रेड कलर से आ जाती हूं, मतलब बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है और बॉडी बैक्टीरिया को मार देगी क्योंकि वो छुपा हुआ नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। बॉडी लॉक एंड की करेगी, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। बैक्टीरिया के पास एंटीजन है, बॉडी एंटी
बॉडी बना के एंटीजन को मार देगी और चूहा रह जाएगा। आप एस ले लो, एस, और एस को आपने हीट कर दिया, एस को आपने हीट कर दिया, जिसकी वजह से एस मर गया, जिसकी वजह से एस मर गया। अब एस के बाहर कैप्सूल नहीं रही, अब एस जो है वो दिखने लग गया, एस दिखने लग गया सीन, एस मरने के बाद आर की तरह हो गया, दिखने लग गया, कैप्सूल चला गया, बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बना दिया, एंटीबॉडी। इसलिए चूहा जिंदा बच गया क्योंकि बॉडी ने इसको मार दिया, क्या बना के, एंटीबॉडी। अगर वो छुपा हुआ था तो बॉडी को पता नहीं चलता, बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाती। अब तो कैप्सूल गया, बॉडी ने देख लिया, बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया और उसको मार दिया। यस एवरीबॉडी, लास्ट इन्होंने हीट किल्ड एस लिया, इस एस को आर के साथ मिक्स किया और बेचारा चूहा मर गया। कैसे? एस के पास कैप्सूल बनाने की इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में है, ये इंफॉर्मेशन एस ने आर को दे दी। एस की कैप्सूल तो गई थी, कैप्सूल तो गई थी हीट करने के बाद, पर जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन उसने आर को दे दी। आर ने ये इंफॉर्मेशन लेकर कैप्सूल बना दी, कैप्सूल के अंदर आर हाइड हो गया, एंटीबॉडी उसको पहचान नहीं पाई, आर ने चूहे को मार दिया टॉक्सिन बनाकर, क्योंकि बॉडी उसको मार नहीं पाई। समझ में आया? तो इससे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बोला कि कुछ तो है, कुछ तो है जो एस से आर में गया। वो क्या है हमें पता है, डीएनए उसको नहीं पता था। कुछ तो है, कोई तो इंफॉर्मेशन गई, जो मेंडल ने भी कहा था, मेंडल ने क्या नाम दिया था फैक्टर, उसने कहा यार कोई तो इंफॉर्मेशन गई, वो इंफॉर्मेशन ने जाकर आर को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म। आर के तो रंग रूप ही बदल गए, आर तो टोटली चेंज हो गया। जैसे इंडियन कोई एनआरआई जाता है तो एनआरआई जब 2 साल बाद वापस आता है, एनआरआई तो ऐसी इंग्लिश बोलता है जैसे इंडिया से नहीं, पता नहीं कहां से गया हो, वो तो टोटली चेंज हो गया। ये आर जो रफ था वो तो स्मूथ में बदल गया। कहता मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो, प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, मुझे नहीं, पर कुछ तो है, तुम लोग पता लगाओ क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, कुछ तो है। कहता मैं उसको नाम दे देता हूं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। क्या नाम दे देता हूं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कहां से कहां जा रहा है? स्मूथ, जो मरा हुआ है उससे आर में जा रहा है और आर को बदल रहा है। कोई तो इंफॉर्मेशन है जो एस से आर में गई और आर को बदला, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आई होप बहुत ज्यादा डिटेल में ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर है। विरुलेंट वो होता है जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है। अगर वो छुपा हुआ है तो वो डिजीज कॉज कर सकता है क्योंकि बॉडी उसको अटैक नहीं करती। छुपे हुए को स्मूथ कहते हैं। अगर वो एक्सपोज्ड है तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी, उसको रफ कहते हैं। रफ डेथ नहीं करता, स्मूथ डेथ कर देता है। पर अगर हम स्मूथ को हीट किल करें तो क्योंकि वो उसकी कैप्सूल डिस्ट्रॉय होगी इसलिए बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी और मार देगी। पर अगर आप हीट किल्ड एस को आर के साथ मिक्स करो तो एस से इंफॉर्मेशन निकल के आर में चली जाती है और आर को भी चटक बना देता है। जैसे एक भोले भाले बच्चे को आप चालू बच्चे के सामने रखो तो भोला भाला बच्चा भी रंग बदल देता है। सिमिलरली अगर आप एस से इंफॉर्मेशन निकाल के आर को दो तो आर को भी पता चल जाएगा कैप्सूल कैसे बनाना है और कैसे बचना है। वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अब बनेगा डीएनए और इसमें बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। एवरी मैक्लियोड, मैकार्टी, मार्थी चेज, बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा जो मैं आपको अगले फन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स इंडक्शन कोर्स पार्ट 2 में डिटेल में करवाऊंगी। इज दैट क्लियर? सो ये छोटी सी झांकी थी कि कितने मजे से और कितने डिटेल में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स करवाया जाएगा। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने प्रूव कर दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाकई में कौन है।
डीएनए है, और वहां से हमने डीएनए की कहानी आगे बढ़ाएंगे. सो विद दैट माय डियर चिल्ड्रन, आज का सुपर कूल छोटा सा प्यारा सा इंडक्शन से यू नो सेशन खत्म होता है. अगली क्लास के लिए पढ़कर आइएगा, तब तक कंटिन्यू हमारा लेक्चर देखते रहिए, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे यू नो एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या हुआ, ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी. टिल देन यस, ये हम पढ़ चुके हैं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास माय डियर किड्स. मॉलिक्यूलर बेसिस पार्ट वन टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.